प्रश्न संख्या 506। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, जिला परिषद अजमेर द्वारा लिखे गए पत्र की प्रति परिशिष्ट ऐप पर संकलन है। खंड 2। जी हाँ, अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के आधार पर भूमि की किस्म खातेदारी एवं कब्रिस्तान है, उक्त की प्रति परिशिष्ट पर संकलन है। खंड 3। नगर निगम अजमेर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अजमेर से प्राप्त सूचना अनुसार इन विभागों द्वारा विभागीय नियमों के अनुसार विकास कार्य करवाए गए हैं, अन्य विभागों से सूचना लंबित है। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगी कि आपने वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति दोनों का समय निर्धारित किया हुआ है, उसके बावजूद ये पत्र जो मुझे मिला वो बहुत देरी से मिला, तो देरी से मिलने का क्या कारण है, पहला। तो दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक अनुरोध करना चाहूँगी, ये पूरे राजस्थान की समस्या, विशेषकर शहरी क्षेत्र की समस्या है। आप इसके एनक्लोज़र में देखेंगे तो आप पाएंगे कि नगर निगम द्वारा कार्य कराया गया है, PhD द्वारा कार्य कराए गए हैं, अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा कार्य कराए गए हैं, और जो अजमेर विकास प्राधिकरण है जिसको कार्यकारी एजेंसी बनाया था, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने नहीं कराए, परंतु मैं ऐसे प्रमाण दे सकती हूँ कि उन्होंने कच्ची बस्ती के तहत जो इसकी क्रम संख्या 1 और 2 पर जो कार्य उल्लेखित हैं, अजमेर वार्ड संख्या 34 गुर्जर धरती हीरा बैंड वाली गली, और जो 2 संख्या पर उल्लेखित है, अजमेर वार्ड संख्या 34 गुर्जर धरती की पहली गली व दीपचंद जी की गली, ये दोनों गलियों में कच्ची बस्ती के तहत अजमेर विकास प्राधिकरण ने स्वयं ने कार्य कराए हैं, तो ऐसी क्या स्थिति है कि यदि विधायक अपने विधायक कोष से उक्त क्षेत्रों में कार्य कराना चाहे तो वो नहीं करा सकता, बल्कि स्वयं नगर निगम करा सकती है, अजमेर विकास प्राधिकरण करा सकता है, PhD वहाँ लाइन डाल सकती है, विद्युत वितरण निगम वहाँ पोल डाल सकती है, और बरसों पुरानी आबादी है जो PhD ने कहा है। प्रश्न तो मेरा यही पूछना है कि भाई फिर विधायक कोष से ये कार्य क्यों नहीं कर सकते, और जो पत्र आपने मेरे को लिखा है वो इतना देरी से क्यों लिखा है, आप टाइमली लिख देते तो शायद वो कार्य हो जाते। मेरा एक प्रश्न और पूछूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने देरी का कारण ये जानकारी हमारे पास आई थी ADA के द्वारा कि ये कब्रिस्तान भूमि है और खाते की भूमि है, तो इनका लेटर आने के बाद में हमने FD को, डिपार्टमेंट को लिखा, और लिखने के बाद में उन्होंने इस चीज़ के लिए जो एज पर हमारे नॉर्म्स हैं 2010 के, उनके अनुसार ही कार्य किया जाएगा। दूसरा इनका बिंदु है कि भाई आपका PhD है, आपका अजमेर डिस्कॉम है, वो पैसे डिपॉजिट कराता है, जमा कराता है, वो काम कहीं भी कर सकता है, निगम भी इस प्रकार कार्य कर सकता है, हमारे जो मार्गदर्शिका 2010 बनी हुई है उसके अनुसार ही काम करेंगे कि उसका भूमि का टाइटल क्लियर होगा तो वहाँ विकास के कार्य कराए जा सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रही हूँ कि ये विधायक कोष की अनुशंसा से कार्य होते हैं, अजमेर नगर निगम क्षेत्र का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पर पूर्व में अन्य विभागों द्वारा कार्य नहीं कराए गए। यह पहली नई सड़क नहीं बन रही है, सड़क के ऊपर ही सड़क बनाने की कोशिश की गई थी क्योंकि पुरानी सड़क टूट गई थी, तो जब नगर निगम सड़क बना सकती है अजमेर विकास प्राधिकरण, और तो और माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी फिलहाल ये मैं 15 तारीख माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने LHG की सड़कों का शिलान्यास किया, इस LHG की सड़कों में वही सड़कें, आई विल नॉट टेल, प्लस बी ब्रीफ, मैं समझ में आ गया आपको, माननीय मंत्री जी उनका ये कहने का है कि उस जमीन पर दूसरे विभाग वाले काम कर रहे हैं तो विधायक के फंड से काम क्यों नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष, मेरा निवेदन है कि हमारी जो भूमि का टाइटल क्लियर हो कि भाई ये कम से कम उससे पहले यहाँ तक आई है, उससे पहले लगातार विधायक हैं यहाँ पे, तो 91 में किस्म परिवर्तन करा लेती तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, ये पहला बिंदु। तो दूसरा ये है कि यदि सुनने नहीं जाते, मेरा निवेदन है कि हमने भी पहले इनका लेटर आने के बाद में प्रयास किए और FD तक भेजा था, उन्होंने उस चीज़ को नहीं माना, फिर भी क्योंकि इनकी भावना जो ठीक है कैसा काम होना चाहिए, तो मैं एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन करता हूँ, 1 महीने में वो रिपोर्ट पेश करेगी। अगला प्रश्न हो गया, प्लीज, आई विल नॉट अलाउ इट, प्लीज बैठे हो गया, आप बैठे, अगला प्रश्न, श्रीमती मनीषा पवार, बड़ा प्लीज, मैं मनीष, प्लीज डोंट बॉप, डोंट, आई एम ऑन लेग, प्लीज, आई एम ऑन लेग। प्रश्न संख्या 5।